के बारे में क्या ख्याल है? देखिए कविता पाठ जहाँ तक वह तो कविता पाठ एक कला है आ, कविता में वैसे कोई जो भी कविता के जो सुधी श्रोता या सुधी पाठक होते आ, हैं वो तो मुख्यतः कविता के अंतर्वस्तु पर कंटेंट पर ही ध्यान देते हैं लेकिन कविता पाठ अपने आप में एक कला है और किसी लैटिन अमेरिकी लेखक ने कविता पाठ एक कला है करके एक आर्टिकल भी लिखा है और बहुत ही मज़ाकिया और रोचक ढंग से लिखा है लेकिन कविता पाठ का एक ही होता है कि कविता पाठ करते समय जो जो पाठ करता है वो किस तरह से कविता का पाठ करता है अलग अलग जगहों पर कहाँ कहाँ वह जोर देता है कहाँ वह विराम लेता है कहाँ पर उतार चढ़ाव लेता है जो किसी भी कविता को खोलती है जो जिससे कविता को और अच्छी तरह से लोग समझ सकें ज़्यादा अच्छी तरह से संप्रेषित हो सके तो इस रूप में कविता पाठ का भी अपना एक अलग महत्व है निश्चित तौर पर कविता पाठ एक कला है और उस कला को बहुत सारे लोग नहीं साध पाते हैं साध पाए हैं जैसे कि मैं ही बहुत अच्छा पाठ अच्छा 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 नहीं, नहीं करती हूँ तो कविता पाठ के बारे में तो यही कहना था और दूसरा क्या सवाल था आपका हाँ, अपनी रचना प्रक्रिया नहीं आ, कविता पाठ के साथ एक और कविता महोत्सव के बारे में हाँ कविता महोत्सव देखिए बहुत सारे कविता महोत्सव हो रहे हैं और ऐसे महोत्सव हो रहे हैं जो शासकीय प्रयासों से हो रहे हैं और बहुत सारा इधर उधर का पैसा लगा के जहाँ मुख्यतः जो है वो एक उत्सव जैसा वो होता है और ज्यादातर वहाँ पर जो है वो पद पीठ पुरस्कार के लिए तमाम तरह की तिकड़में होती हैं किसको दिया जाए क्या दिया जाए तो उन महोत्सवों को तो मैं बहुत महत्व नहीं देती हूँ और मैं उसे सही मानती भी नहीं हूँ लेकिन जैसे जिस तरह से यहाँ पर आ, कुछ आ, ऐसे प्रबुद्ध लोगों ने जैसे चेयर पोइट्री का कर रहे हैं तो ऐसे प्रबुद्ध और कवि जो कविता लिख रहे हैं ऐसे लोगों ऐसे महोत्सवों का या ऐसे प्रोग्रामों का बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि ऐसे कार्यक्रम में लोगों को एक दूसरे से मिलने का एक दूसरे को जानने का एक दूसरे के विचारों को साझा करने का मौका मिलता है और हम बहुत अच्छी तरह तरीके से जानते हैं और मैं समझती हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम अलग अलग शहरों में भी आयोजित किए जाने चाहिए ठीक है अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में कुछ बताए देखिए रचना प्रक्रिया के बारे में तो कुछ बताना बहुत ही मुझे, मुझे, मुझे मुश्किल हमेशा भी बहुत मुश्किल काम लगता है लेकिन जैसे कहा जाए कि मैं मुख्यतः हिंदी साहित्य की विद्यार्थी रही हूँ और वो उसके उसके माध्यम से हिंदी साहित्य को मुझे जानने का अवसर मिला लेकिन अपने जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी उस समय कुछ ऐसे लोगों से मौका मिलने का मौका मिला और उनके साथ फिर काम करने का सांस्कृतिक टीम में नाटक टोली में वगैरह में काम करने जो साहित्य के बहुत ही जो कवि भी थे लेखक भी थे और साहित्य की बहुत अच्छी समझ रखने वाले थे सही मायने में आप पूछिए तो उनसे चीज़ों को समझने का मुझे बहुत मौका मिला यहाँ तक कि मैंने जिससे शादी की शादी वो खुद भी बहुत अच्छे कवि बाद में उन्होंने राजनीतिक कामों पर ज़्यादा जोर दिया लेकिन अपने समय के बहुत ही स्थापित और बहुत अच्छे कवि थे तो उसके बाद हम लोग की जो बातें होती थी हम लोग को बहुत कम साथ मिलने का रहने का अवसर मिला जो बातें होती थीं जो पत्र आते थे वो लगभग कविता की शैली में होते थे उससे कविता के प्रति पहले मुझे कहानी और ज़्यादा पड़ा उससे मुझे कविता को समझने का जानने का और कविता लिखने की हाँ हा, मुझे प्रेरणा मिली और वहीं से मैं फिर मैंने जो है विश्व के तमाम कवियों को जाना पाब्लो नेरुदा नाजिम हिकमत ब्रैक्ट तमाम कवियों को पढ़ा और जाना और फिर मुझे पता नहीं कैसे सामाजिक काम करते हुए और लोगों के बीच रहते हुए लोगों के बीच जीते हुए आ, कब मैंने कविता लिखना शुरू किया मुझे आ, अचानक ही बस आया और मैं कविता लिखने लगी और फिर जब लिखने लगी तो फिर लिखने ही लगी फिर कविता ही मेरा क्षेत्र हो गया मैं ज़्यादातर कविताएँ ही लिखने लगी अच्छा। हिंदी और हिंदी और विश्व कविता के बारे में आपका क्या ख्याल देखिए हिंदी कविता तो बहुत समृद्ध हिंदी कविता की परंपरा रही है और शुरू से लेके और अब तक हिंदी कविता की परंपरा जो है बहुत समृद्ध रही है लेकिन आज के दौर में एक 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 सामान्य सी समस्या मुझे लगती है कि एक बहुत ही अराजनीतिकरण हुआ है और वो कविता के क्षेत्र में ही दिखाई देता है और दूसरे एक रूपवाद जैसे कविता के कंटेंट जो कविता के कंटेंट को दबा देता है इस तरह के भटकाव भी देखने को मिलते हैं और ये कहा जाए कि हिंदी कविता का अराजनीतिकीकरण बहुत हुआ है और बहुत ज़्यादा हिंदी कविता और हिंदी साहित्य की पॉलिटिक्स भी बहुत ऐसी हुई है जिसमें अच्छे ज, अच्छे जो लिख रहे हैं बहुत सारे कवि ऐसे हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं और आ, लोगों को प्रेरित करने वाला कविता के के आ, एक कविता को पसंद करने वाला ये सारी चीज़ें जो है वो वो कभी सामने नहीं आ पाते हैं क्योंकि सारी आलोचनाएं या कब किसका नाम लें कैसे लें ये सारी बहुत प्रायोजित हुआ करती हैं और इसमें आलोचकों का बहुत बड़ा हाथ है और न केवल आलोचकों का बल्कि कभी भी बहुत सोच समझकर और किन किस आधार पर लोगों का नाम लेते हैं इस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती है लेकिन कुल मिला जुला कर कहा जाए तो हिंदी कविता की एक बहुत समृद्ध परंपरा रही है जी कोलकाता आपको कैसा लगा कोलकाता के बारे में कहा जाए तो कोलकाता तो एक बहुत ऐतिहासिक शहर है और इसका बहुत ऐतिहासिक ऐतिहासिक महत्व तो है देश की राजधानी तो दिल्ली है लेकिन सांस्कृतिक राजधानी तो कोलकाता ही रही है हमेशा ही और हम प्रबुद्ध जनों, हम बुद्धिजीवियों और लेखकों को कोलकाता शहर बहुत आकर्षित रहा करता रहा है चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में रहे हो चाहे संगीत के क्षेत्र में हो चाहे नाटक हो चाहे सिनेमा हो हर क्षेत्र में कोलकाता बहुत आगे रहा है यहीं पर शरद चंद रविंद्रनाथ टैगोर और तमाम कवि लेखक जो हुए हैं सबका नाम गिनाना इतना जरूरी नहीं है क्योंकि क्योंकि इंटरव्यू भी लंबा हो जाएगा इसके अलावा सिनेमा में मृणाल सेन ऋतु घटक उत्पल दत्त ये सारे लोग वो हुए हैं तो कोलकाता तो बहुत ही अच्छा शहर है और जिसने कोलकाता नहीं देखा उसने हिंदुस्तान को नहीं देखा हाँ मैंने पहले सवाल के जवाब में ही बता दिया कि इस तरह के इस तरह के आयोजन हर शहर में होना चाहिए जो कुछ प्रबुद्ध शहर के कुछ प्रबुद्ध लोगों कुछ कवियों और लेखकों के द्वारा अपने संसाधनों से इकट्ठा करके इतने बड़े और पैमाने पर कवियों को इकट्ठा करके और कविता पाठ का और उनसे बातचीत करने का विचारों का आदान प्रदान करने का जो अवसर मिलता है ये बहुत ही उपयोगी होता है और ऐसे कार्यक्रम जो है वो आ, हर शहर में आयोजित किए जाने चाहिए थैंक यू सो मच मैम शुक्रिया